अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर जो लोग नशे के आदी हैं और स्पेशली जो है जो इंजेक्शन का नशा जो है वो करते हैं कि डैश नशा डैश नशा डैश नशा जो इंजेक्शन लगाते हैं मुख्तलिफ इकसाम के, तो उनका जो है एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछते हैं कि हमने जो है कई बार रिहैब भी करवाया लेकिन उसके बाद जो है हम दोबारा नशे की तरफ चले गए। कई बार जो है हमने इसको छोड़ने की भी कोशिश की है तो फिर भी जो है हम इस नशे की तरफ चले गए, इसकी तरफ चले गए और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं पाते। और जो है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि अब जो है हमारी आखिरी स्टेज है, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो तब भी मरेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तो जो है कुछ दिन और गुजार लेंगे। कि मरना जो है वो तो बरहक है, मौत बरहक है, तो क्या जो है इंजेक्शन के नशे का इलाज नहीं है? क्यों जो है दोबारा से जो लोग हैं जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं बाहर जाकर जो है वो करना शुरू कर देते? इस तरह के जो सवालात हैं अक्सर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मिल रहे होते हैं या जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेजेस आ रहे होते हैं। कई लोग जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और जो है वो वर्बली जो है डिलीवर करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी वजूहत होती हैं इंजेक्शन की नशे की तरफ जाने के पीछे। कुछ लोग जो है डायरेक्टली इंजेक्शन जो है शुरू कर देते हैं और कुछ जो है डिफरेंट है एडिक्शन की टाइप में से गुजर कर जो है इंजेक्शन की तरफ आते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो इंसान जो है किस वे से जो है वो नशे की तरफ गया, इंजेक्शन के नशे की तरफ गया। तो जो लोग इंजेक्शन को जो है छोड़ते हैं और बार बार जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी वजूहत होती हैं, और बहुत सारी वजूहत में एक ऐसी वजूहत भी है जिसकी वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस है वो इतना अच्छा नहीं होता। वो ये है कि इजीली अवेलेबिलिटी, कि हर जगह से जो है आसानी से मिल जाता है। कुछ है हमारे कल्चर के अंदर जो है इंजेक्शन को जो है वो इतनी इसके ऊपर रोकथाम नहीं है, इजीली जो है किसी भी फार्मेसी से जो है मिल जाते हैं, इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी फार्मेसीज भी हैं वो प्रोवाइड कर देती हैं, और इसको लेकर कहीं जाने के ऊपर पाबंदी भी नहीं है कि कहीं सर जो है कोई नाका लगा हो पुलिस वालों का, या जो है कोई पकड़ने वाला, या जो है कोई स्पेशली जो है इसको आइडेंटिफाई करने वाला, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये जहां से चाहे जैसे चाहे खरीद सकते हैं, तो इजीली अवेलेबिलिटी जो है प्रोग्नोसिस को कम कर देती है, कि उसके चांसेस को कम कर देती है कि इसका जो इलाज है कैसे पॉसिबल होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? इजीली अवेलेबल है, जब भी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई जाकर इस्तेमाल कर लिया, कहीं से भी मिल गया, महंगा भी नहीं होता, अफोर्डेबल होता है और इंसान जाकर जो है बाय कर लेता है। और भी इसके पीछे जो है बहुत सारी वजूहत होती हैं। अब अगर बात करें तो इसकी जो फिजिकल सिम्टम्स होती हैं वो भी जो है मैटर कर रही होती है, क्योंकि बॉडी जो है डिपेंडेंट हो जाती है, और जो है इसके ऊपर जो है वो चीज वो केमिकल जो है जिस्म के अंदर जाएगा, चाहे जो है डैश 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 वाला जो है आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो सके। कि बाज लोगों की एसोसिएशन हो जाती है कि बॉडी को सरिंज लगेगी तो उन्हें जो है फील होगा कि यस मैं अब जो है रिलैक्स हूं, मैं जो हूं अब ठीक हूं। और बाज लोगों की जो है इतनी जो है साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होती है कि जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा मुझे सुकून नहीं आएगा, मुझे जो है तसल्ली नहीं मिलेगी, मैं जो हूं अपनी रूटीन में बहुत सारे जो काम है वो नहीं कर पाऊंगा, एक इंजेक्शन ही है चलो मैं लगा लेता हूं कोई बात नहीं है। और ये जो लोग होते हैं ये खुद से डॉक्टर बने होते हैं, इन्होंने जो है स्पेशली किसी जो है प्रोफेशनल से जो है वो मदद नहीं लेनी होती, और अपनी ही मदद आपके तहत जो है अपनी बॉडी के ऊपर इंजेक्शन लगा लगा कर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कभी एक डोज लगा ली, कभी दो डोज लगा ली, कि रिकमेंडेड डोज नहीं होती, और बाज दफा जो है ओवर डोज की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि कोई जो है वेन रैप्चर हो जाती है, कोई आर्टरी जो है वो खराब हो जाती है जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, या जो बॉडी का पार्ट है वो वेस्ट हो जाता है, वो अपना जो वर्क है प्रॉपरली नहीं कर पाता।
तो बहुत सारे जो है इसके नुकसान है। अब जो है इसके नुकसान तो सामने हैं, और जो वजूहात हैं वो यही है कि एक तो इसकी जो क्रेविंग है, जो तलब है, जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड है या बॉडी की नीड है, वो एक पीक लेवल पर होती है। दूसरे नंबर पर इजीली अवेलेबिलिटी होती है। तीसरे नंबर पर जो है इसके ऊपर जो है कोई इतनी रोकथाम नहीं है कि एक ही पर्ची दिखा दिखा कर जो है डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर जो है वो इंसान जो है बाय कर सकते हैं। बाज दफा तो ऐसे ही फार्मेसीज वाले हैं जिनको जो है प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, और बाज दफा जो है यही जो है चीजें ब्लैक में भी मिल रही होती हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अफोर्डेबल है और जो है इंसान इसको जो है बहुत ज्यादा तरजीह देता है। जो लोग इनडायरेक्टली इसकी तरफ आते हैं उनकी लाइफ में जो है कोई ट्रोमेटिक जो है इंसिडेंट हुआ होता है या फिजिकल इंजरी होती है जिसकी वजह से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने जो है स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जो है डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक जो है ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं। और कुछ जो है वो जो है एडिक्टेड होते हैं पहले से और उनकी एक चेन चल रही होती है, पॉली एडिक्टेड होते हैं कि उन्होंने जिंदगी में चर्स भी इस्तेमाल की होती है, अफ्यून भी इस्तेमाल की होती है, कोकेन भी, हीरोन भी, आइस भी, और जो है इंजेक्शन और टेबलेट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि पॉली एडिक्टेड होते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ आते हैं और उन्हें पता है एट द एंड क्या है, मौत है। और जो इनडायरेक्टली आते हैं उनके लिए जो है एक अजीब सी जो है कैफियत होती है, और वो एडिक्शन की तरफ जो है आने के पीछे जो है उनका पर्पज जो है वो एडिक्शन नहीं होता, बल्कि जो है उनका जो है मिसकम्युनिकेशन होती है, या जो है खुद से जो है सेल्फ बेस्ड पर जो है जब वो मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं वो वजह बनती है। तो इसीलिए जो है जो इंजेक्शन है बहुत ज्यादा खतरनाक है। एट द एंड बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि मौत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंजेक्शन के नशे को छोड़ा है और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि वो जो है इसको छोड़ नहीं पाते, और छोड़ क्यों नहीं पाते यही वजूहत है। इसके पीछे कोई अलग से वजूहत नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो ये लोग जो है इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो इंजेक्शन का नशा जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे जितना भी चाहे बचना चाहिए, और जो है ताकि जो है इंसान एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।